हेलो स्टूडेंट्स, आहा जिंदगी एडुकेयर चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अपने इस लेक्चर में क्लास 12 बायोलॉजी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स चैप्टर 1 एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस सॉल्यूशंस क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन डिस्कशन करने वाली हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 जो आपके दिए गए हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन गेमेटोजेनेसिस फ्रॉम एम्ब्रियोजेनेसिस। तो हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग गेमेटोजेनेसिस की चर्चा करेंगे, फिर हम लोग इम्ब्रियोजेनेसिस की करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम लोग पहले गेमेटोजेनेसिस को देखते हैं, ठीक है। गेमेटोजेनेसिस, अब गेमेटोजेनेसिस क्या होता है, सबसे पहले इसका डेफिनेशन हम लोगों को देखना होगा, उसके बाद फिर देखते हैं हम लोग। तो ये क्या है, गेमेटोजेनेसिस जो है एक प्रोसेस होता है, क्या चीज का, फॉर्मेशन ऑफ हैप्लोइड मेल एंड फीमेल गेमेट्स फ्रॉम डिप्लोइड मियोसाइट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। चलिए नोट डाउन कर लेते हैं हम लोग। इट इज द प्रोसेस प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन of the formation of haploid male and female gametes. Haploid male and female gamete from diploid meiosites from diploid meiosites through the process of meiosis. ठीक है, चलिए। तो ये हमारा हो गया गेमेटोजेनेसिस। अब हम लोग देख लेते हैं इम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है, ठीक है। इम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है, तो इम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है, ठीक है, हम लोग डिस्कस करते हैं। इम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है, इट इज the process of the development of the embryo. It is the process of the development of embryo from the रिपीटेड मियोटिक सॉरी मियोटिक यहाँ नहीं होता है, माइटोटिक होता है, फ्रॉम द रिपीटेड माइटोटिक डिविजन्स ऑफ द डिप्लॉयड जायगोट, ठीक है, फ्रॉम द रिपीटेड माइटोटिक, ठीक है, यहाँ आप ध्यान रखिएगा माइटोटिक यहाँ होता है, ठीक है, माइटोटिक डिविजन ऑफ द डिप्लॉयड जायगोट, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, एम्ब्रियोजेनेसिस हो गया, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा इस क्वेश्चन में क्या देखा, डिफरेंशिएट बिटवीन गेमेटोजेनेसिस फ्रॉम एम्ब्रियोजेनेसिस। तो हम लोग पहले गेमेटोजेनेसिस को देखें, फिर एम्ब्रियोजेनेसिस को देखें। आप जब एग्जामिनेशन हॉल में जब चर्चा करेंगे इसका, जब आप आंसर करेंगे, तो वहां आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे गेमेटोजेनेसिस का आपने आंसर किया, फिर उसके बाद हम लोग एम्ब्रियोजेनेसिस का कर रहे हैं, तो बीच में आप व्हाइल ऐसे दे सकते हैं, ठीक है, व्हाइल एम्ब्रियोजेनेसिस का, फिर
तो डिस्कशन आप कर देंगे, ठीक है। तो यहीं पे हमारा जो होता है क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन कंप्लीट होते हैं। बाकी के क्वेश्चन के सॉल्यूशन को पाने के लिए आपको आज इनके एडुकेट चैनल के प्लेलिस्ट को विजिट करना होगा। प्लेलिस्ट का आपको लिंक चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे, उस लिंक को आप क्लिक कीजिए और एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस सॉल्यूशन प्लस 8 टू 12 मैथ और साइंस के स्टडी मटेरियल का लाभ उठाएं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स।